दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर है तो आपको तो घनश्याम यादव सर के बारे में पता ही होगा, जो दिन का कई करोड़ों में डील करते हैं, करोड़ों में प्रॉफिट होता है उनका। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 उनका स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी मैं खुद उनका वीडियो देख के ही निकाला हूं, जो देख के आप डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाओगे। खुद मैं उनका स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं एंड मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, जो प्रॉफिट आप मेरा टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको भी सपोर्ट डिस्टेंस बनाना नहीं आता एंड सपोर्ट डिस्टेंस अगर आप डेली का बेसिस पे बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वन डे का ऑल्टरनेटिव डे पे हम इस तरीके का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। घनश्याम सर का 920 स्ट्रेटजी जो है वो आप जैसे कि चेक कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके आप जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहले आपको 915 का जो कैंडल हो वो आपको मार्क कर लेना है एंड 915 का जो भी कैंडल रहेगा इसका जो टॉप एंड बॉटम होगा उन दोनों ऑप्शन को आपको जस्ट एक बार मार्क कर लेना है। एंड अभी आपको जस्ट वेट करना है 30 मिनट तक, क्योंकि 30 मिनट तक जो भी कैंडल बनेगा वो 5 कैंडल में आपको किसी भी तरीके का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि ये जो टॉप देख सकते हो, जैसे ही 920 बजा वैसे ही फास्ट जो 915 का कैंडल है उसका ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ एंड ब्रेकअप जैसे ही दिया तो आप जैसे कि देख सकते हो मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ भाग गया। तो दोस्तों उसी तरीके से अगर आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, थोड़ा सा रिस्क लेके आप नीचे की तरफ पुट में जा सकते हो। यही उनका स्ट्रेटजी डेली का बेसिस पे, यही स्ट्रेटजी को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इजिली 15-20 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा होता है एक स्कैल्पर के लिए। तो अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। उसी तरीके से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, आपको इस तरीके का डेली का बेसिस पे कैंडल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही कम दिन ऐसा होगा जिस दिन ये जो स्ट्रेटजी है ये काम नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियस डे में इस तरीके का एक कैंडल बना था तो मेरे को थोड़ा देर वेट करना पड़ा था एंड थोड़ा देर वेट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ तो इजिली मैं कॉल की तरफ चला गया था एंड यहाँ पे भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड पेशेंस अगर आप रख सकते हो तो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी अच्छा है। अभी हम आते हैं उनका सेकंड स्ट्रेटजी 220 स्ट्रेटजी। तो 220 स्ट्रेटजी में वो कहते हैं आपको जस्ट मार्केट में 220 बजी ऑन होना है एंड मार्केट में जैसे आप एक्टिव हो गए तो आपको जस्ट 220 का कैंडल फाइंड करने, 220 का कैंडल ये आप जैसे कि देख सकते हो, इसका जो हाई एंड लो होगा इसको आपको मार्क कर लेना है एंड हाई लो को मार्क करने के बाद आपको जस्ट फॉलो करना है कि मार्केट इसका जो ब्रेकअप देगा वो ब्रेक अप देता है या फिर ब्रेक डाउन देता है। अगर दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों आप इजीली तरीके से कॉल के साइड जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो टॉप बटन है इसको मैं मार्क कर देता हूं, तो इन दोनों को मार्क करने के बाद अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट कैंडल बना था ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था, तो ऊपर की तरफ इजीली अगर कोई भी कॉल खरीदा होता तो उनका अच्छे तरीके से प्रॉफिट बन जाता। अगर हम डेली का बेसिस पे इस तरीके का स्कैल्पिंग करते हैं, इस तरीके का स्ट्रेटजी को अप्लाई करके, तो किस तरीके का प्रॉफिट बन सकते हैं आप लोग जस्ट सोच सकते हो। थर्ड नंबर स्ट्रेटजी है हैमर स्ट्रेटजी। तो हैमर आपको जस्ट फॉलो करना है। अगर आपको पता नहीं है कि हैमर कैंडल कौन सा है, कैसा है दिखने में एंड इसका काम क्या है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटली कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट 5 कैंडल बताया था एंड उसको अगर आप देख लेते हो तो आप बहुत इजी वे में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कैंडल में अप जाता है मार्केट एंड कौन सा कैंडल में मार्केट डाउन की तरफ जाता है। तो वो सेम तरीके से हैमर कैंडल के बारे में बात किया था। हैमर कैंडल अगर आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलता है तो आप इजीली तरीके से एक कॉल की तरफ आप पोजीशन बना सकते हो एंड इजीली तरीके से मार्केट आपका जो टारगेट होगा वो रीच कर देगा। ठीक उसी तरीके से ये जो हैमर कैंडल है इसका जो डीप्थ होना चाहिए वो मिनिमम 150 होना चाहिए। तो आपको 150 पॉइंट का नीचे जैसे ही आपको हैमर कैंडल दिखे वैसे ही आप एक कॉल की तरफ पोजीशन बना सकते हो। उनका नेक्स्ट स्ट्रेटजी है बुलिश मारुबुजू स्ट्रेटजी। तो दोस्तों बुलिश मारुबुजू स्ट्रेटजी में ये जो मारुबुजू कैंडल होता है इस कैंडल के बारे में भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो में बोला था। तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली यहां पे आपको सबसे पहले तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको चूज कर लेना है एंड 1 मिनट का आप जैसे ही टाइम फ्रेम चूज करोगे तो आपको मार्केट में बहुत सारा आपको मारुबुजू कैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। मारुबुजू कैंडल बेसिकली बहुत ज्यादा लंबा होता है एंड ये अगर ग्रीन कलर का बन जाता है तो ये साइन देता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में कितना सारा मारुबुजू कैंडल है, ये मारुबुजू कैंडल है एंड ये कैंडल जैसे ही बना तो उसके बाद जैसे कि देख सकते हो इजीली मार्केट ने जो है कि 7 पॉइंट का टारगेट दे दिया। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप 5-10 पॉइंट का आप टारगेट बना सकते हो, जो टारगेट अचीव होने में मारुबुजू कैंडल आपको हेल्प करेगा। घनश्याम सर का लास्ट एंड फाइनल जो स्ट्रेटजी है वो है वो प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोज वो पोजीशन चेक करते हैं एंड उस तरीके का पोजीशन को चेक करके वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं जिनका बेसिस पे वो ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों यही मैं टॉप 5 उनका स्ट्रेटजी मैं भी फॉलो कर रहा हूँ एंड मेरे को तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप भी उनकी तरह अपडेटेड रहना चाहते हो, उनका बेसिस पे दिया हुआ हर एक तरीके का अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नहीं
हो तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को एंड करती है। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में।